हेलो, असलामुअलैकुम। सारे कैसे हैं? मज़े में हैं जी। आज की जो वीडियो है वो उस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़े हमारे यूट्यूबर्स, फेलो यूट्यूबर्स के बारे में जिनको रिसेंटली अवार्ड मिला है। और पहले तो सबसे मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, स्पेशली जैद अली को, डकी भाई को, कि उनको अवार्ड मिला है। और रियली उनका काम जो है अप्रिशिएटेड काम है, नो डाउट। डकी भाई भी बहुत मेहनत करते हैं और जैद अली भी बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किसी किस्म का भी शक नहीं। सेकेंड पार्ट ये है वीडियो का कि इरफान जो ने जो कि एक वीडियो आई है जिसने मुझे तो परेशान कर दिया, लेकिन इरफान भाई इस तरह नहीं करें, आप वीडियो लाजम बनाएं क्योंकि हम आपका कॉन्टेंट देख के सीखते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ आप व्लॉग लाजम बनाएं क्योंकि आपके भी लोग हमारे लिए इंस्पायरेशन। ये कहने की बात नहीं है, ये वाकई है। मैंने आपसे बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, स्किल्स सीखी हैं जो आप कंटेंट बनाते हैं कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। और इस पे मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपना व्लॉगिंग का पार्ट जो है ना अपनी ज़िंदगी में ख़त्म ना करें। ये समझ लें कि आपकी अब ज़रूरत नहीं है, ये हम जैसे लोगों की ज़रूरत है आपकी व्लॉग्स देखना। और आपको हम यही कहेंगे कि आप लाजम व्लॉग बनाएं, हर हाल में बनाएं। पीसा वालों को मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि उनको ये कहूँगा कि आपने जो इस बार यूट्यूबर्स और सोशल इंटरटेनर्स हैं उनको रिकोगनाइज़ किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहली दफ़ा इस तरह अवार्ड शो में यूट्यूबर्स आए हैं और उनको इतनी इज्जत मिली है, दिस इज़ रियली ग्रेट। आपका काम अप्रिशिएटेड है, लेकिन आपने थोड़ी सी जो मिस्टेक की है उस बारे में आप सोचें। एक तो आपने कैटेगरी सही नहीं रखी, मिसाल के तौर पे जैसे आपने जैद अली भाई को बेस्ट व्लॉगर का दे दिया अवार्ड, मेरे ख्याल में वो डिज़र्विंग करते थे बेस्ट बेस्ट यूट्यूबर का। एज जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, वो शुरू से यूट्यूब में वीडियोस बनाते रहे, पहले वाइन वीडियोस बनाते थे, उसके अलावा बहुत सी फ़नी वीडियोस बनाते रहे हैं, व्लॉगिंग भी करते हैं। तो उनके जो कंटेंट हैं वो ओवरऑल व्लॉगिंग का नहीं है सिर्फ, वो ज़्यादातर उनकी वीडियोस फ़नीज़ होती हैं और व्लॉगिंग कम होती है। तो इसलिए उनको एज ए यूट्यूबर का अवार्ड देना चाहिए था। दूसरी, क्योंकि उनका अवार्ड लाजम बनता था, वो हम सब में से सबसे पुराने। मैंने 2015 में वीडियोज़ बनानी शुरू की हैं, मैंने तब शुरू की थी जब मैंने पहली दफ़ा उनको पाकिस्तानी किसी चैनल में देखा था और मैंने सोचा था कि यार ये अगर इतना कामयाब हो सकते हैं तो हम जैसे लोग भी वीडियोस बना के कामयाब हो सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कामयाबी हुए हैं। लेकिन आपको सिर्फ पिसा वालों को यही कहूँगा कि आपकी कैटेगरीज में थोड़ी एरर थी। और दूसरे एंड में डकी भाई को अप्रिसिएशन है, लेकिन उनकी जो कैटेगरी थी वो भी गलत थी। वो आपको बताया, उनकी कैटेगरी में आना चाहिए था रिव्यूज़ और रोस्टर की कैटेगरी में, जिसमें रजा समूह। और आपने एक बंदे को तो बिल्कुल इग्नोर, मैंने उनको देखा ही नहीं किसी पिसा के इवेंट में और किसी किसी चीज़ में भी। और जो सीबीए अरसलान, उनका काम मैं तकरीबन 5-6 साल से देख रहा हूँ, ठीक है। पहले वो कार्टूनाइज फोटोज़ बनाते थे और अब वो फनी वीडियोज़ भी बनाते हैं, रिव्यूज़ भी बनाते हैं। तो उनकी कैटेगरी में उनको अलग से एक अवार्ड मिलना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है पिज़्ज़ा वालों से। और बेस्ट व्लॉगर का अवार्ड 100% या फिर मोरू भाई को या फिर इरफान जुनेजो को जाना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि जो व्लॉग्स इरफान जुनेजो और मोरू भाई बनाते हैं, जो मेहनत वो अपने व्लॉग्स में करते हैं, अपने कंटेंट को पावरफुल बनाने में करते हैं, कोई भी मेहनत इतनी नहीं करता उनका। खास तौर पे मोरू की मैं ये बात कहूँगा कि वो अपनी म्यूज़िक भी खुद अपने से बना के ऐड करता है, अपना गाना हर व्लॉग में उसका एक अपना गाना होता है, म्यूज़िक बैकग्राउंड अपना खुद का होता है, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस थिंग्स एज अ व्लॉगर। मैं भी बहुत से व्लॉग्स बना चुका हूँ, 50 से ऊपर व्लॉग्स बना चुका हूँ, तो मुझे पता है कि म्यूज़िक बनाना अलग से, वीडियोज़ शूट करना अलग से, उसके बाद सीन्स शूट करना अलग से, बहुत बहुत ज़्यादा ये जो है डिफ़िकल्ट काम है, ये आसान नहीं है। फाइन वाइन वीडियो जो आज से 4-5 साल पहले कराची वाइन और ये बनती थी, वो एक आसान काम था, वो मैं भी बनाता रहा, उससे मैंने बहुत सी मुझे व्यूज़ भी अच्छे, मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले हैं, ठीक है। लेकिन वो बनाना बहुत आसान थे, वो जाके शूट करके सीधा बना दिया, दैट सेट। वो 2-3 मिनट की वीडियो होती थी, लेकिन व्लॉग 10 मिनट की वीडियो होती है, उस 10 मिनट को खींच के और एंटरटेनमेंट के साथ खींच के इतना लंबा करना, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक और जो है ना मिस ही कर दिया पिसा वालों ने, एक और कैटेगरी जिसपे सोच, हाँ वो भी व्लॉगर में डाल दिया, ठीक है। अब जैसे कराची वाइन, खुजली फैमिली और उसके अलावा जो ये जो टीम्स हैं, और WT वालों को मैं कहूँगा, जो गुजरांवाला के लड़के हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी एक एक अलग से कैटेगरी होनी चाहिए थी, कराची वाइन, WT वाले। इस तरह बहुत से ज़्यादा और भी यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं,
उनको भी एक कैटेगरी में डाल के इनको अवार्ड में शामिल करना चाहिए था। लेकिन खैर मुझे इस तरह लग रहा है कि पिज़्ज़ा वालों से जो जो गलतियाँ हुई हैं इस बार, ये नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी। और मुझे उम्मीद है कि जो नेक्स्ट टाइम पिज़्ज़ा वालों के अवार्ड शो होगा वो इससे ज़्यादा बेहतरीन होगा। अच्छा जी, कमेंट में मुझे बताएं आप क्या सोचते हैं पिज़्ज़ा वालों के बारे में, और इरफान जो ने जो भी जो वीडियो बनाना व्लॉगिंग बनाना छोड़ना चाह रहे हैं उस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लाजम मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ये दुनिया कभी मिसाली आने नहीं देगी, तूने सर जो झुकाए उठाने नहीं देगी, सच बोल के फैलाएगी फसाने नहीं देगी, तुझे घड़ी एक देगी ये जमाने नहीं देगी, तेरे सुरों पे ये भाई तुझे गाने नहीं देगी।